राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार क्षेत्र में एक स्कूटर खड़ा करने को लेकर हुए झगड़े ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। विवाद खड़ा होने के बाद यहां असामाजिक तत्वों द्वारा एक धर्म स्थल मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस घटना को लेकर कल भी पूरे क्षेत्र में तनाव रहा। पुलिस ने बताया कि चावड़ी बाजार के लाल कुआ क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल मोहम्मद नाम का युवक एक इमारत के बाहर अपना स्कूटर खड़ा कर रहा था। इसे लेकर वहां रहने वाले संजीव गुप्ता ने आपत्ति जताई। संजीव की पत्नी बबीता ने बताया कि जब उनके पति ने स्टॉल के पास स्कूटर खड़ा करने पर आपत्ति की तो उस वक्त आश मोहम्मद वहां से चला गया, लेकिन बाद में वो कुछ और लोगों के साथ आया और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद चावड़ी बाजार के लाल कुआ इलाके में तनाव की स्थिति है। इस मामले में दोनों पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर साकिब ने कहा कि जब मोहम्मद की पिटाई कर दी गई तो उसने और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। इस घटना से जुड़े एक वीडियो में पार्किंग विवाद को लेकर कुछ लोग एक युवक की कथित रूप से पिटाई करते दिख रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।